हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया सुबह के लिए नाश्ता। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक फ्राइंग पैन, और अब हम फ्राइंग पैन में डालेंगे 1.5 कप पानी। और अब हम पानी में डालेंगे 1.5 चम्मच घी। घी की जगह आप इसमें तेल भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच डालेंगे इसमें हम अजवाइन, दोनों हाथों से क्रश करके, और साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें नारियल का बुरादा। ये मैंने 4 चम्मच लिया हुआ है। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो आप नारियल लाकर उसको मिक्सी के जार में ग्राइंड कर सकते हैं। पानी में उबाल आने लगा है, हम इसमें डालेंगे, ये मैंने 1/2 कप सूजी ली हुई है बारीक, यानी कि 125 ग्राम मैंने सूजी ली हुई है यहाँ पर। इसको थोड़ा थोड़ा डालकर हम मिक्स करते जाएंगे इस तरह से, जिससे इसमें गुठलियाँ ना पड़े। और इधर मैंने लिया हुआ है 1 कप चावल का आटा, इसको भी थोड़ा थोड़ा डालकर हम मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए मिक्स हमने कर लिया है इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। मिक्सचर अब ठंडा हो चुका है, थोड़ा हमें बस इतना ही गर्म रखना है मिक्सचर को जिससे हम हाथ से छू सकें इसको। तो चलिए इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के कद्दूकस करके आलू, 1 चम्मच डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे हम इसमें। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड करिएगा। 1/2 चम्मच ही डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मिर्च की आप यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं जो थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं। चलिए इसको अच्छे से अपने हाथ से मिक्स कर लेंगे इस तरह से मसल मसल कर। ये देखिए फ्रेंड्स, मिक्सर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथ पर ऑयल लगाएंगे इस तरह से, और इसमें से थोड़ा सा हम मिक्सचर लेंगे हाथ पर और इसको रोल करेंगे, और अपनी मनपसंद के अनुसार आप इसमें कोई सी भी शेप दे सकते हैं, गोल या चौकोर, जो भी शेप में आप बनाना चाहते हैं इसको उसी शेप में आप बना सकते हैं। ये देखिए हमने इसको चौकोर शेप में बनाया है। अब हम सारे मिक्सर को चौकोर शेप में बनाकर रखेंगे। अब हमने सारे मिक्सर चौकोर शेप में बनाकर तैयार कर लिए हैं, इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई लेंगे या फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन एक गैस पर रख लिया है, इसमें डालेंगे अब हम रिफाइंड ऑयल। ऑयल को आप गर्म होने देते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, हम एक एक करके इसमें पीसेस रख लेते हैं। Thank you.
जब ये नीचे की साइड से थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको दूसरी साइड से पलट देंगे। सारे पीस थोड़े थोड़े ब्राउन होने लग गए हैं तो हम इनको पलट लेते हैं दूसरी साइड से। आराम से पलटिएगा इन्हें क्योंकि ये ऑयल बहुत तेज गर्म है। इसी तरह से हम इनको पलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये इन पर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता और अच्छे से फ्राई नहीं हो जाते। चलिए तो इनको ऐसे ही हम पलट पलट कर फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए सारे पीसेस अच्छे से फ्राई हो भी चुके हैं और इनका कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है इन पर। इनको निकाल लेते हैं अब हम एक बर्तन में। अब हमने दूसरी बार में भी सारे पीसेस रख लिए हैं फ्राइंग पैन में। इसी तरह से हम अब इनको फ्राई कर लेंगे। ये पीस भी सारे हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं, इनको भी पलट देते हैं इसी तरह से। ये पीस भी सारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, उनको भी निकाल लेते हैं हम। फ्रेंड्स अब हमारा सुबह का नाश्ता बनके एकदम रेडी है, वो भी चटनी के साथ। ये मैंने नारियल की चटनी बनाई हुई है और अभी मैं आपको एक पीस तोड़कर भी दिखा देती हूँ ये बाहर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और साथ ही साथ में मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।